इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। डिंडोरी मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है, जहां धान के उपार्जन के नए नियमों में किसानों को परेशान कर रखा है। नए नियमों के तहत धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने गांव में कोटवारों के द्वारा मुनादी करवा दी है। जी हां, आपको बता दें, किसान ने धान बिक्री के लिए जिस मोबाइल नंबर से पंजीयन कराया है, उसी मोबाइल नंबर का आधार कार्ड और बैंक खाता में लिंक होना अनिवार्य है, जिससे धान उपार्जन की भुगतान राशि बैंक में जमा होने पर किसानों को बैंक से मैसेज द्वारा सूचना मिल सके। इसके साथ ही किसानों को धान खरीदी केंद्रों में बिक्री के लिए मैसेज के माध्यम से सूचित किया जा सके। लेकिन इस नए फरमान से किसानों को समस्या पेश आ रही है। जिन्हें किसानों ने अपने पास मोबाइल नहीं होने की स्थिति में जैसे तैसे धान बिक्री के लिए अपने रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर से पंजीयन तो करवा लिया, लेकिन समस्या ये आ रही है कि किसानों को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसके चलते अब किसान मजबूरन मोबाइल और सिम खरीदने में लगे। वहीं आधार कार्ड और बैंक में लिंक होने हेतु किसानों का समय बर्बाद हो रहा है। बता दें कि किसानों का कहना है कि हम सभी किसानों का निवेदन है कि इस नियम के लिए कम से कम किसानों को 4 माह का समय दिया जाए, जिससे भारतीय किसान संघ समनापुर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार राजपूत, मनता बनवासी जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह माधव सिंह आदि किसान उपस्थित रहे। डिडोरी से लवकुश राठौर की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।